बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। चपली कबाब को मैं ओवन में बेक कर रही हूँ, इनको मैं फ्राई नहीं कर रही। आप इनको नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं फ्राई करने के बजाय। सबसे पहले मैं ले रही हूँ टमाटर। ये मैंने बड़े साइज के 3 टमाटर लिए थे, इनको गोल गोल करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स और प्याज और हरी मिर्च को भी ग्राइंड करके रखा हुआ है। मैंने 3 स्लाइस लिए थे फ्रेश ब्रेड के, इनको मैंने ग्राइंड किया। साथ ही प्याज और हरी मिर्च को और चिकन का कीमा मैंने लिया है 1.5 किलो। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीना बारीक काट के। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। ये गरम मसाले के अंदर मैंने छोटी सी टीस्पून रखी हुई, 1/2 टीस्पून के करीब है। इसको मैं 3 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पिसे हुआ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश चिलीज, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। ये 1/2 टीस्पून है इसके अंदर। काली मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। वाइट पेपर इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया, ये मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। खुश्क धनिया इसके अंदर बहुत मज़ा देता है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब। और आखिर में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ये भी इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शामिल किया है। अब इन सबको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ, इसके अंदर सबको अच्छे से गूंद लेती हूँ। सारे मसाले यकजान हो गए हैं। अब मैं इनको बेकिंग ट्रे में रखने से पहले इनके अंदर मैंने जो शीट लगाई है इसको हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। दोनों हाथों को ऑयल का के ग्रीस कर लें और बड़ा सा बॉल लेके इनको प्रेस करके इस तरह से ऊपर टमाटर रख के बड़ा सा चपली कबाब बना लें। चपली कबाब की इस तरह से थोड़ी सी बड़ी शेप होती है, बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा मटेरियल लेके इसको हाथों से चपटा करके बना रही हूँ। और इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रख के इसको प्रेस करके इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे चपली कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, हल्का हल्का सा ऑयल इनके ऊपर लगा देना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। दोनों ट्रे रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं ओवन में तकरीबन 1 घंटा या 40 मिनट के करीब बेक कर लेती हूँ। साथ ही मैं चटनी रेडी कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने शामिल किया टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं खुश्क अनारदाना पाउडर, नमक, मसाला गरम मसाला पिसा हुआ, ज़ीरा और लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। इन सबको ग्राइंड करके इस तरह से खट्टी सी चटनी रेडी कर ली है। और कबाब भी बेक हो चुके हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। लीजिए हाजिर है हम सब के लिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मज़े वाला फूड को, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप इसको रोटी, नान और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। थैंक यू।